कि सुप्रीमो सुके आपको बता दें कि सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ पटना के कंकड़बाग थाने में एफआईआर दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और इसी को लेकर मुकेश सहनी ने कहा कि यही तो दुर्भाग्य है, जब वो हमारे खिलाफ थाने में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर लिया गया और जब हम उनके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाने पहुंचे तो अभी तक कंप्लेन दर्ज नहीं की गई। वो लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर उनकी चले तो हमारे हत्या करवाने के लिए साजिश रच सकते हैं। यही तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र जिंदा नहीं है, हमारा संविधान खतरे में है। आज बताइए कि भाजपा ने पहले गलती किया और उसके बाद हमने जानबूझकर उनका फिरकी लिया, अब फिरकी लिया इसके लेके भाजपा ने हमारे ऊपर कंप्लेन कराया और कंप्लेन में केस दर्ज हो गया और उसी दिन हमने भी हमने थाना में हम कंप्लेन दिया कि भाजपा ने ये गलती किया और आज तक केस दर्ज नहीं हुआ। तो बताइए वो सत्ता में है, पावर में है, इसलिए वो सत्ता को पावर को दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे ऊपर केस दर्ज करवा दिए लेकिन उनके ऊपर अभी तक केस दर्ज नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको भी सोचने की बात है, बिहार के जनता को भी सोचने की आवश्यकता है। उनका बस चले तो हत्या कराने का साजिश में भाजपा बैठा हुआ है, वो जेल में भेजने के लिए बैठा हुआ है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जेल भेजे हत्या कराए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सच की लड़ाई है मैं लड़ते रहूँगा, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उनके सामने मजबूती से मैं खड़ा रहूँगा और हमारे देश के संविधान के लिए। और पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव में सिर्फ नफरत की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में आकर विशेष राज्य के दर्जे पर बोलना चाहिए था। गरीबी, महंगाई, रोजगार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। बीजेपी का काम देश में नफरत फैलाना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी का सफाया हो गया है और कल वो झारखंड गए थे और वहां भी बीजेपी का सफाई करके आए हैं। वहीं मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर तेजस्वी ने कहा कि कोर्ट तय करेगी क्या करना है। कहा हो कि अगले 5 साल क्या करेंगे बिहार के लिए, क्या करते हैं तो वो बता दूंगी। ना बिहार के लिए कुछ कहा, बिहार को विशेष राज्य दर्जे के लिए कुछ कहा, तो कुछ कहा ही नहीं प्रधानमंत्री। कहा क्या, केवल नफरत की भाषा और बोलना, नफरत फैलाना, आपस में लड़वाना, यही काम है। बिहार से इनका पूरी तरीके से सफाया हो गया है। कल हम झारखंड में भी 5-5 सभाएं करके आए हैं, झारखंड में बहुत अच्छा माहौल है। झारखंड बिहार अगर साफ है तो समझ जाइए कि केंद्र में उनकी सरकार। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, ये कैसे चलेगा। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित है। ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है कि इंडी अलायंस की सरकार नहीं बनने वाली, इसीलिए अब वो समर्थन देने की बात कर रही है। जब चुनाव शुरू हुआ और इंडी गठबंधन बना उस समय तो ममता दीदी ये कहती थी कि हम सब साथ साथ हैं। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को 30 से अधिक सीटों पे जीत दिलाएगी और ममता दीदी बहुत अच्छी तरीके से जान गई है कि उनकी हार सुनिश्चित है और इंडी अलायंस की भी हार सुनिश्चित है। अब भविष्य में तालमेल की कोई संभावना बनी रहे इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। ममता दीदी को बहुत अच्छी